सबको नमस्कार। आपने पिछले वीडियो में देखा है, सीखा है कि कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है। तो हमने जो नया सीरीज शुरू किया है कंप्यूटर कोर्स हिंदी में, उसका दूसरा पीरियड है, दूसरा दिन है, या पार्ट टू बोल सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में पार्ट टू, पार्ट वन इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि ये दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है। आप थंबनेल या टाइटल से देख के समझ लीजिए। आज का जो हमारा चैप्टर है वह डाटा और इन्फॉर्मेशन के ऊपर। पिछले वीडियो में आपने सीखा डाटा इन्फॉर्मेशन का, थोड़ा सा मैंने बताया था। आज बताता हूँ डाटा एक्चुअल में क्या होता है। डाटा मतलब डाटा इज एनी कलेक्शन ऑफ नंबर्स। नंबर्स मतलब एक से लेके जीरो से लेके, एक्चुअल तो जीरो से लेके नाइन तक ये हमारे नंबर्स होते हैं। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। उसके बाद कैरेक्टर्स और अदर सिंबल्स। कैरेक्टर मतलब हमारे पास ए से लेके जेड तक, स्मॉल ए से लेकर जेड तक कैपिटल, दोनों हो सकते हैं। और अदर सिंबल, या तो हमारे पास सिंबल, सिंबल में क्या, एट द रेट हो सकता है, फुल स्टॉप, डॉट, माइनस, प्लस, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हैश का सिंबल, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। सिंबल मतलब वही है। तो इन सब का कलेक्शन को हम डाटा बोलते हैं एक्चुअल में, दैट हैज बीन कोडेड। अब इन सब को एक कोडिंग के थ्रू, कोडिंग का मतलब अगले चैप्टर में मैं बताऊंगा कोडिंग क्या होता है। कोडिंग से सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं। इसी कैरेक्टर और सिंबल के साथ में ही सब कुछ मिला के कोडिंग करके सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इनटू ए फॉर्मेट, एक ऐसे फॉर्मेट में बनाते हैं दैट कैन बी इनपुट इनटू द कंप्यूटर, जिसको कंप्यूटर के अंदर दिया जाता है काम के लिए या हमारे जो भी जरूरत है उसके लिए। एंड प्रोसेस्ड, उसकी प्रोसेस होती है, प्रोसेस के बाद हमें कोई भी रिजल्ट मिलता है। डाटा ऑन इट्स ओन हैज नो मीनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि डाटा का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। अब बोलोगे कैसे, डाटा मतलब रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है, जैसे मान लो आपको चाय बनानी है। अब चाय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए, चूल्हा चाहिए, बर्तन चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती, उसके बाद आपको अदरक डालना है तो डालिए, काली मिर्च, लौंग। तो ये हमारे पास हो गया रॉ मटेरियल, इट इज़ कॉल्ड डाटा। उसके बाद जब आप चाय तैयार करते हैं, चूल्हे में डाल के तैयार कर रहे हैं, यानी कि प्रोसेसिंग हो रहा है, तो कंप्यूटर के अंदर वो काम जिसको पिछले वीडियो में आपने देखा उसे बोलते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद जब चाय तैयार होकर आप छन के निकाल लेते हैं कप में, गिलास में, वो होता है हमारा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब प्रोसेस्ड डाटा, यानी कि डाटा जब प्रोसेसिंग हो जाती है, मीनिंगफुल रूप में हमारे सामने आता है, जिसको हम समझ सके कि क्या है क्या नहीं है, वह है हमारा इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन के अंदर डाटा तो है लेकिन उस फॉर्मेट में नहीं है जो पहले था। आप चाय के अंदर चीनी ढूंढ नहीं पाओगे, दाना, चीनी के दाना, चाय पत्ती, ये चाय बनी है, इसका मतलब सब मिला के बनी है। जैसे कि हमने आपको बता दिया 10, अब 10 आपको मैंने बोला ये मीनिंगफुल नहीं है, यानी कि 10 मतलब क्या, 10 मतलब रुपीस, पैसा, या किसी की उम्र, या दिस तारीख, डेट, कुछ भी हो सकता है। तो ये डाटा है, इसमें कोई समझ नहीं है। अगर हम आपको बोलते हैं RS10, ये इंफॉर्मेशन, यानी कि हमें ये पता चल रहा है कि ये रुपए 10 रुपए के बारे में ही बता रहे हैं, या डेट हमने लिख दिया डेट 10 अक्टूबर, तो हमको ये पता चला इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि 10 अक्टूबर के बारे में ही बताया जा रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ डाटा इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया। डाटा इज अ रॉ मटेरियल ऑफ इंफॉर्मेशन एक्चुअल में देखा जाए तो, क्योंकि डाटा से हमें कोई समझ नहीं आता, लेकिन डाटा के थ्रू ही हम इंफॉर्मेशन को तैयार करते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट किया जाता है और कंप्यूटर उसे प्रोसेस करके हमारे सामने इंफॉर्मेशन देता है, जिसको हम रिजल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बताते हैं इनपुट यूनिट के बारे में, उसके बाद इनपुट किस तरह काम करता है उसके बारे में, ओके।